हॉरर कहानियां थी। घर वापसी। पूरे 10 साल के बाद महेश शर्मा अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमित के साथ यूएसए से इंडिया वापस लौट कर आए थे। पिछले 10 साल में उनका एक बार भी इंडिया आना नहीं हुआ था, इसलिए इतने वर्षों के बाद अपने घर वापस लौट कर आने के कारण वे सब बहुत खुश थे। महेश ने पहले ही अपने नौकर से कहकर अपना पुराना घर साफ करवा लिया था। अब वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। कुछ भी कहो, अपने देश में लौटने की फीलिंग्स अलग ही होती है। क्यों रेखा, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। 10 साल का था अमित जब हम यहाँ से विदेश गए थे। मम्मी पापा, जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे आसपास के घरों के कॉलोनी वाले। अब तक तो वो सब भी कितने बड़े हो गए होंगे, पता नहीं अब यहाँ रहते भी होंगे या नहीं। वो पिंकी याद है, बचपन में पूरा समय अमित के साथ ही खेलती रहती थी। कितनी प्यारी बच्ची थी। कौन, वो अपने गुप्ता जी की बेटी? हाँ हाँ वही। गुप्ता जी अभी भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? देख लेना, हमारे आने की खबर सुनकर दौड़ कर चले आएंगे। मम्मी पापा, आप लोग बातें करिए, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है। अमित अपने कमरे में जाता है और आराम से बेड पर लेट जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे लगा कि कमरे की खिड़की के बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। अमित, तुम लौट आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन है वहाँ पर? अगर कोई है तो प्लीज अंदर आ जाओ, अंदर आकर बात करते हैं ना, इस तरह खिड़की के बाहर से बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ, तुम्हारे कमरे की खिड़की के बाहर, और मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे बड़ी अजीब बात है, अंदर क्यों नहीं आ सकती, वैसे तुम हो कौन? अमित के इतना पूछते ही अचानक आवाज आना बंद हो जाता है। लगता है कि कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है, बाद में देखता हूँ। अब अमित एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जैसे ही वो आंखें बंद कर सोने के लिए दूसरी तरफ करवट पलटता है तो उसे एक छोटी बच्ची बाजू के बेड पर लिटी दिखती है, जिसे देखकर वो घबरा कर उठ जाता है। कौन है, कौन है, कोई है? क्या हो गया है मुझे, अचानक से छोटी बच्ची क्यों नजर आ रही थी मुझे? लगता है ज्यादा ही थक गया हूं मैं। थोड़ी देर के बाद अमित गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब अमित सोकर उठता है और अपने कमरे से बाहर आता है तो अमित को देखकर महेश और रेखा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बचपना है अमित, ये तुमने अपना हुलिया कैसा बनाया हुआ है, पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो बेटा तुमने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। अमित, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, 20 साल के जवान लड़के हो, और ये किस तरह का मजाक है? मम्मी पापा, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने क्या किया है? अभी अभी तो नींद से उठकर आपके सामने आया हूँ और आप भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, क्या हुआ? रेखा अपनी जगह से उठती है और एक छोटा सा आईना लाकर अमित की आंखों के सामने लगाती है। ये देखो, तुमने अपने सर पर रंग बिरंगी रबड़ लगाकर 2 चुटिया बनाई हुई है और हेयरबैंड लगाया हुआ है और आंखों में काजल, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमित ने घबराकर अपने बालों से वो रबर बैंड निकाल दिया, हेयर बैंड भी फेंक दिया। मम्मी पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यह सब किसने किया है आप बताइए। क्या मेरा बचपन का कोई दोस्त आया था जिसने नींद में मेरे साथ ये सब किया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ अमित, अभी तो सुबह हुई है, कोई नहीं आया था बेटा, हम सच कह रहे हैं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बताओगे? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ देर के बाद अमित अपने कमरे से तैयार होकर आता है और कॉलोनी में घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। थोड़ा आगे चलने पर उसकी नजर अपने घर के पड़ोस वाले घर पर पड़ती है, जहां पर अब सन्नाटा था।
ये देखकर अमित ने वहां से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, एक मिनट भैया सुनिए, क्या इस घर में अब कोई नहीं रहता क्या? हाँ बेटा, हम भी यहाँ पर 5 साल पहले ही आए हैं, तभी से इसे खाली ही देखा है। सुना है कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक ही एक दिन घर छोड़कर चले गए। उनके बारे में इस कॉलोनी के लोगों को जरा अजीब अजीब बातें करते हुए देखा है। अजीब अजीब बातें मतलब क्या? बेटा किसी से कहना मत, वो क्या है ना, मोहल्ले की बात है, लोगों को पता चला तो बिना बात की बातें बनाएंगे। हाँ हाँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन लेकिन आप बताइए तो सही प्लीज। बेटा सुना है इस घर में किसी की आत्मा का वास है, कई लोगों ने इस खाली घर से कभी कभी किसी की रोने की आवाज सुनी है, अब सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जाने। ओ तो ये बात है, वैसे लोगों का क्या है, कुछ भी बातें बनाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी अंधविश्वास भरी बातों में विश्वास रखते हैं लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा दिन शहर में घूमने के बाद अमित जब शाम को अपने घर पहुंचा तो खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद रेखा और महेश ने अमित को बाहर बुलाया, लेकिन अमित इस बार जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर अपने बेटे अमित से पूछा, ये क्या बेहुदा मजाक है अमित, तुमने अपना हुलिया इस तरह से क्यों बिगाड़ा हुआ है, और ये गुलाबी फ्रॉक पहनने का क्या मतलब है? लगता है हमारे बेटे को कोई दिमागी परेशानी हो गई है, किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है। रेखा हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे लेकिन अभी अभी बाजार से आया, तब तो बिल्कुल ठीक था, और इतनी सी देर में मेरे बच्चे को क्या हो गया? अमित एक छोटे बच्चे की तरह ताली बजा बजा कर हंसने लगता है और छोटे बच्चे की तरह ही बात करता है। मम्मा मम्मा, मुझे फ्रॉक पहनना बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी 2 चोटी बना लो ना, और इस बिना पिंक वाली रबड़ लगाना। बस करो अमित बस, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह का मजाक मत करो अपने मम्मी पापा के साथ। अरे अंकल मैंने कहा मजाक किया, और वैसे भी मेरा नाम अमित नहीं, मेरा नाम तो चिंकी है, चिंकी। चिंकी का नाम सुनते ही रेखा और महेश पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा चिंकी का नाम लेकर उसकी तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि चिंकी की मौत हुए तो 10 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। रेखा और महेश ने किसी तरह अमित को सुला दिया, लेकिन रात को अचानक अमित के कमरे से किसी की डरावनी आवाज आने लगी। लौट आई हूँ मैं, लौट आई हूँ, और अब यहीं रहूंगी तुम्हारे घर में, क्योंकि यहीं पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। तुम तो इतने जवान हो गए, लेकिन मैं तो छोटी सी रह गई ना। मैं चिंकी हूँ, मुझे फ्रॉक पहनना बहुत पसंद है। महेश और रेखा ने घबराकर अमित के कमरे का दरवाजा खोला तो वो दोनों हक्के पक्के रह गए। वहां एक 3 साल की बच्ची का साया पूरे कमरे में घूम रहा था, उसकी आवाज बिल्कुल अमित के जैसी थी और अमित की आवाज एक छोटी सी बच्ची के जैसी। मम्मी पापा देखो, चिंकी वापस लौट आई है, वो मेरी वजह से चली गई थी और अब वह वापस लौट आई है। देखो ना मम्मा, चिंकी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, उसको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम लेकर आओ ना उसके लिए। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हें उस दिन उस खिड़की से धक्का नहीं देना चाहिए था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आज से 10 साल पहले हमारे बेटे ने छोटी सी बच्ची चिंकी को धक्का दे दिया था। मुझे भी यही लग रहा है महेश, और शायद इसी वजह से उस बच्ची की आत्मा आज भी यहीं रहती है। इससे पहले कि रेखा और महेश कुछ करते, अमित बड़े ही अजीब ढंग से चलता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा बाजू वाले खाली घर में चला गया। रेखा और महेश भी उसके पीछे पीछे गए। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां टूटे फूटे आधे जले हुए खिलौने पड़े हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद अमित बड़े ही अजीब ढंग से घर के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ गया, और तभी वहां पर 3 साल की छोटी सी चिंकी महेश रेखा और अमित को नजर आने लगी।
अगर आपका बेटा उस दिन मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाता तो मैं कभी नहीं मरती। मेरी मम्मी तो मुझे अमित के पास ये कहकर छोड़ कर गई थी कि वो थोड़ी देर मेरा ध्यान रख लेगा, लेकिन उसने मुझे खिड़की के पास अकेला छोड़ दिया और मैं गिर गई। मेरी बच्ची को छोड़ दो बेटा, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तब वो नादान था, ना समझता, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर अनजाने में अमित से गलती हुई होती तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन जानती आंटी, इसने मुझे जानबूझकर खिड़की से धक्का दिया था ताकि इसे मेरा ख्याल ना रखना पड़े और ये अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल सके। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये सच है तो फिर? यही सच है, और आज के बाद से मैं हमेशा अमित के शरीर में रहूंगी, और जब मेरा मन करेगा तब बाहर आऊंगी।